नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में। सो गाइस, आप सभी को जैसा कि बताइए, राजस्थान नीट स्टेट कोटा काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अभी कुछ देर पहले ही जारी कर दिया गया था वेबसाइट पर। ऐसे में गाइस, अगर आपने चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिए, अलॉटमेंट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है फर्स्ट राउंड की, तो इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, अदरवाइज वेबसाइट से भी आप चेक कर सकेंगे। अभी इस वीडियो में बात करेंगे गाइस कि क्या राय डिटेल कैटेगरी वाइज कट ऑफ फर्स्ट राउंड का, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना होगा जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है और जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ में भी आपको डिटेल कट ऑफ बता दूंगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में जो है आपको कितने ऑल इंडिया रैंक पर, कितने स्टेट रैंक पर, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कितने मार्क्स पर अलॉट हुआ है, साथ ही गवर्नमेंट एंड पेमेंट सीट दोनों के लिए बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट इस वीडियो पर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, सभी लेटेस्ट अपडेट्स राजस्थान नीट काउंसलिंग एंड साथ ही ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड आयुष वेटनरी सभी काउंसलिंग के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मैं आप इस चैनल के माध्यम से आप सभी को देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है @BingDoctorOfficial और हम इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारा पेज बन चुका है और वहाँ पर @BingDoctor.Official नाम से वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज DM करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देता रहता हूँ, सभी जगह फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो तरफ। सो गाइस, सबसे पहले तो जिनको भी कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो आप सभी के लिए कल से यानी 4 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, और उससे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करना होगा। कल से यानी कि 4 फरवरी से आपके अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे वेबसाइट पर, अपना जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए। तो जिनको भी गवर्नमेंट सोसाइटी या झालावाड़ RUHS मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं, उनको SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में रिपोर्ट करना होगा अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फीस के साथ में, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर जिनको भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो उनको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर जो सुभाष नगर में है, वहाँ पर आपको जो है रिपोर्ट करना होगा अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स फीस के साथ में, डिमांड ड्राफ्ट के साथ में, जो भी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आप सभी को बता दूँ। साथ ही जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड में फिर से वो जो है, वैसे तो आपको जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया था, उनको सेकंड राउंड में कराने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए। तो जिनको कॉलेज नहीं हुआ वो वेट कीजिए, फर्दर शेड्यूल का वेट कीजिए, आगे सेकंड राउंड का जल्दी हमारे पास शेड्यूल आ जाएगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है, तो सेकंड राउंड का हमारे पास आ जाएगा शेड्यूल, ठीक है। और साथ ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड राउंड के लिए। चलिए अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। सो गाइस, आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हो, जो कि आपको रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग के टाइम पर जो है ले जाना होगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना NEET 21 का स्कोर कार्ड ले जाना होगा, अलॉटमेंट लेटर जो कि आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, 10+2 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जैसे कि 10th की मार्कशीट भी आपकी चल जाएगी, और साथ में मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जाम 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट ऑफ क्लास 11th एंड 12th इफ पास्ड इन मोर देन वन अटेम्प्ट, ठीक है। क्लास 11th एंड 12th की सभी मार्कशीट अगर आपने एक से ज़्यादा अटेम्प्ट में पास किया है तो, ठीक है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी एज सेलेक्टेड बाय यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, फिलिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारे जो अनेक्सरी और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो मैं अपनी इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी आपको मिल जाएंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। इसके साथ में कॉपी ऑफ फोटो आईडी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये कोई सा भी आपका फोटो आईडी होना चाहिए, है ना, आधार कार्ड। इसके अलावा आपके जो है ओरिजिनल ले जाना होगा, ये तो आपको साथ में फोटोकॉपी भी ले जाइएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी करा के ले जानी है। 9th नंबर पे आप देख सकते हैं वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, है ना। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप वो भी ले जाना होगा, जिस कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है आपका जो, ठीक है। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना होगा राजस्थान का, अगर आप एप्लीकेबल है तो, है ना। और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी अगर आप PWD कैंडिडेट हो, PWD सर्टिफिकेट, WDP एंड WPP सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, बॉन्ड, बैंक गारंटी एज पर द एप्लीकेबल, प्रोफोमा, सब कुछ प्रोफोमा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही प्रूफ रिगार्डिंग फैमिली एनुअल इनकम लेस देन, अगर आपने ऑप्शन भरा था एप्लीकेशन फॉर्म में 2.5 लाख से कम की इनकम, फैमिली एनुअल इनकम का, तो आपको इसका प्रूफ यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र ले जाना होगा एंड एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा कुछ एडिशनल सर्टिफिकेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, NRI की कंडीशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट थे, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ब्यूटी में मिल जाएगा, ठीक है। ये बात करिए डॉक्यूमेंट, अब बात करते हैं क्या रही है कट ऑफ फर्स्ट राउंड की। सो गाइस, कंप्लीट आप ये कट ऑफ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट सीट के लिए, यानी नॉन पेमेंट जो सीट होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उनकी कट ऑफ क्या रही है। तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक वाइज, स्टेट रैंक कितने पर कॉलेज अलॉट हुआ, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो भी मैंने डाल दिया, साथ ही स्कोर कितने पर ही। और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड तोड़ा है राजस्थान ने तोड़ा है, सभी स्टेट के कंपेयर करोगे तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अब तक की राजस्थान में देखने को मिली है। तो जनरल कैटेगरी बात करें 631 मार्क्स पर क्लोज हुआ है ना, ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हैं, साथ ही स्टेट रैंक कितने पर मिली है। EWS की बात करें 628 कट ऑफ रहा है, OBC की बात करते हैं 626 कट ऑफ रहा है, SC कैटेगरी में 537 कट ऑफ रहा है, ST कैटेगरी में 525 कट ऑफ रहा है, MBC में मेल की बात करते हैं तो यहाँ पर 578, MBBC फीमेल की बात करते हैं तो 530 यहाँ पर कट ऑफ रहा है, ST A कैटेगरी में
388 कट ऑफ रहा है। सभी आप कॉलेज भी देख सकते हो कौन कौन सा कॉलेज लास्ट अलॉट हुआ है। इसके साथ में पेमेंट सीट की कट ऑफ डिटेल में आप देख सकेंगे। ये दोनों में कट ऑफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियरली मैंशन है सब कुछ। पेमेंट सीट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज जो पेमेंट सीट होती है उनमें अनरिजर्व की बात करते हैं तो 595 कट ऑफ रही है। इसकी ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हैं, स्टेट रैंक कितने पर गई है, लास्ट कॉलेज किस में कितने पर मिला है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। डूंगरपुर मिला है यू आर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करते हैं तो 592 कट ऑफ रही है पेमेंट सीट के लिए, डूंगरपुर अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूस की बात करें 592 कट ऑफ रही है, डूंगरपुर ही अलॉट हुआ है। एमबीसी की बात करें बारमेर अलॉट हुआ है, 530 कट ऑफ रही है। एससी कैटेगरी में बात करें तो 465 यहाँ पर कट ऑफ रही है, डूंगरपुर अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी में डूंगरपुर अलॉट हुआ है 452 मार्क्स कट ऑफ रही है। एसटीए में 263 कट ऑफ रही है, बारमेर अलॉट हुआ है। ये पेमेंट सीट की कट ऑफ, तो दोनों ही गवर्नमेंट एंड पेमेंट सीट की मैंने कट ऑफ आपको बता दी है और ये कंप्लीट डिटेल मैंने समझा दिया इस वीडियो में। स्टेप आई होप वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिए और सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए @bingdoctorofficial को। चलिए बस ये अपडेट देना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।